नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में विपक्ष के हंगामे की, वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा की, देखेंगे सोनिया गांधी के सांसदों को दिए जीत के मंत्र को, मोदी सरकार के बजट पर भड़के नितिन गडकरी को, जानेंगे उद्धव ठाकरे के बीजेपी पर हमले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में बीजेपी को लगा करारा झटका, MUDA घोटाले के खिलाफ निकाले जाने वाली पैदल यात्रा से JDS ने किया किनारा, मोदी सरकार में मंत्री कुमार स्वामी ने बीजेपी पर किया करारा हमला। पूजा खेड़कर अब IAS अफसर नहीं, अब UPSC ने सिलेक्शन किया रद्द, कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएंगी, पहचान बदल कर दी थी परीक्षा। लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश, बारिश से विधानसभा के बेसमेंट में भरा पानी, नगर निगम की छत हुई लीक। हरे निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स, 285 अंकों की बढ़त के साथ 81,741 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 93 अंकों की बढ़त के साथ 24,951 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद सत्र का 8वां दिन काफी हंगामेदार रहा। संसद में आज भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दी। अनुराग ठाकुर की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर आज विपक्ष ने लोकसभा में मोदी सरकार को घेर लिया, तो वहीं राज्यसभा में भी बीजेपी सांसद के बयान पर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दी। तो कैसे अपने सांसदों के चलते बीजेपी फंसी मुसीबत में, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। ठाकुर की राहुल गांधी पर की गई जातिगत टिप्पणी अब बीजेपी पर ही भारी पड़ गई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने अनुराग ठाकुर के साथ PM मोदी से भी माफी की मांग कर दी। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने तो PM के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि PM मोदी ने अनुराग ठाकुर के उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया जिसमें से विवादित अंश हटाने का आदेश स्पीकर की तरफ से दिया गया था। राहुल गांधी ने भले ही लोकसभा में कहा हो कि उन्हें अनुराग ठाकुर की माफी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष मोदी सरकार पर हावी दिखाई दिया उससे मोदी सरकार जरूर परेशानी में घिर गई। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब वो CM पद से हटे तो CM आवास को गंगा जल से धोया गया, उन्हें मंदिर में हवन करने से रोका गया, और जब मंदिर में गए तो मंदिर को धुलवाया गया। बीजेपी सरकार में OBC SC ST सभी का शोषण हो रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से जाति जनगणना की मांग पूरी ताकत से उठाई गई। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। तिवाड़ी ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सवाल उठाए, इसे लेकर खड़गे बेहद आहत दिखाई दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे माहौल में मैं और ज्यादा जीवित नहीं रहना चाहता। साफ है मोदी सरकार जाति जनगणना को लेकर तो पहले से ही घिरी हुई थी, अपने नेताओं के बयानों ने उसे और मुश्किल में फंसा दिया है। एक तरफ मोदी सरकार के सामने विपक्ष ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, तो दूसरी तरफ केरल के वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा ने मोदी सरकार के साथ केरल सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया है। राहुल गांधी ने संसद में एक बार फिर वायनाड का मुद्दा उठाया तो अमित शाह ने केरल सरकार पर सवाल उठा दिए, देखिए रिपोर्ट। वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। आर्मी, एयरफोर्स, NDRF, SDRF, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 200 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। दूसरे दिन भी वायनाड और उसके आसपास के जिले मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश हुई, जिस कारण से आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना वायनाड दौरा टाल दिया। अब वो गुरुवार को वायनाड जाएंगे। उनके साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी वायनाड जाएंगे। आज इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, वायनाड में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, सेना वहाँ अच्छा काम कर रही है, मुझे लगता है कि ये बेहद अहम है कि हम वायनाड के लोगों का समर्थन करें और मैं सरकार से वायनाड के लोगों की मदद करने का अनुरोध करता हूँ। ये दूसरी बार है जब यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, इससे पहले 5 साल पहले भी हुई थी। ये स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में एक पारिस्थितिकी मुद्दा है, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो भी हाईटेक समाधान सामने लाया जा सकता है वह अच्छा होगा। लेफ्ट और कांग्रेस के सदस्यों ने भी वायनाड में राहत और बचाव कार्य और तेज करने की मांग की, साथ ही केंद्र से पूरी मदद करने को कहा। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक आपदा में हुई नुकसान को लेकर राज्य सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
राहुल ने आपदा से बचने के लिए हाईटेक समाधान की बात की। वायनाड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार इसे लेकर केरल सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी तरफ सवाल केंद्र पर भी उठ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने अपनी पार्टियों के सांसदों को चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने के आदेश दिए, क्योंकि वहां हवा का रुख हमारे पक्ष में है। विधानसभा चुनाव में अगर हम जीत गए तो राष्ट्रीय राजनीति में विशेष प्रभाव पड़ेगा। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि ये स्पष्ट है कि सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। ये हमें देश की जनसंख्या, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या का नवीनतम अनुमान लगाने से रोक देगा। इसका मतलब ये भी है कि हमारे कम से कम 12 करोड़ नागरिक 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित हैं, जिसे अब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। तो वहीं सोनिया गांधी ने देश में हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई। सोनिया ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में अकेले जम्मू क्षेत्र में कम से कम 11 हमले हुए हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मी और बड़ी संख्या में नागरिकों की जान गई है। ये मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे दावों का मजाक उड़ाता है। जम्मू कश्मीर में स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर में यात्रा करते हैं, लेकिन राज्य में जाने और सामान्य स्थिति लाने के लिए पहल करने से दृढ़ता से इनकार करते हैं। इसी के साथ सोनिया गांधी ने बजट में किसानों और विशेषकर युवाओं की ज्वलंत मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं अब मोदी सरकार अपने ही एक दिग्गज मंत्री के सवालों से घिरती दिख रही है। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर सरकार के एक टैक्स सिस्टम की आलोचना कर उसे हटाने की मांग की है। तो क्या है नितिन गडकरी की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार आए दिन अपनी नीतियों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आती ही रहती है, लेकिन अब मोदी सरकार के ही एक दिग्गज मंत्री ने अपनी सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बता दें कि सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ही एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में गडकरी ने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से GST को हटाने की मांग की है। बता दें कि इस प्रीमियम में 18% की GST वसूली जाती है, जिस पर गडकरी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लाइफ और मेडिकल हेल्थ प्रीमियर पर 18% टैक्स लगाना जिंदगी की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के जैसा है। बता दें कि गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर इसी मिजाज का परिचय देते हुए गडकरी ने अपनी ही सरकार से सवाल किए हैं। अब तक तो विपक्ष ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री भी खुलकर अपनी ही सरकार की नीतियों पर उंगली उठाकर उसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। और उस पर नितिन गडकरी जैसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री का वित्त मंत्री को पत्र लिखना इस बात को पुख्ता करता है कि बीजेपी में सब कुछ पहले जैसा नहीं है। अब सरकार की खामियों को विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि उनके ही मंत्री खुद ब खुद उजागर कर रहे हैं। एक तरफ जहां अपने ही मंत्री ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है, तो वहीं शिवसेना UBT के चीफ उद्धव ठाकरे बीजेपी पर भड़क उठे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले जुबानी जंग शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी नेता और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस को सीधा चुनौती दे दी है। तो आखिर किस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, देखिए ये रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं के साथ मुंबई में हुई बैठक में उद्धव ने कहा कि बीजेपी ने शुरुआत से ही जोड़ तोड़ की राजनीति की है। मेरे परिवार और पार्टी को तोड़ा गया, अब वो हमें चुनौती देने के लिए खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जिसे जाना हो वो चले जाए, अभी चला जाए। आज तक हमने इतना सहन किया है और अब तक उनके जुल्म के बाद भी टिके हुए हैं। अब यहाँ तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। शिवसेना UBT जंग लगी तलवार नहीं बल्कि तेज धार वाली तलवार है। हमें मुंबई को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन मुंबई का हक नहीं खोने देंगे। हमें उनके विचार तक को उखाड़ फेंकना है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुझे बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने तो मुझे और मेरे बेटे आदित्य को जेल में डालने की तैयारी कर ली थी। आज मैं ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र में अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे। फडणवीस के साथ अब आर या पार की लड़ाई होगी। ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए पिछले दिनों आए थे। मैंने उनसे कहा था कि जब तक हम सीधे हैं तो सीधे हैं,
लेकिन जैसे ही हमने अपना रूप बदला तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमने लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छा सबक सिखाया, उनके पसीने छूट गए। जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में आर या पार की लड़ाई नजर आ रही है, तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में भी आर पार का मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी दावा कर रही है कि अगर ट्रंप सत्ता में आए तो वो संविधान ही बदल देंगे। इस बीच ट्रंप की नींद उड़ाने वाली खबर भी सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है। नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पहले डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं कमला हैरिस की एंट्री से चुनाव का रुख बदलता जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर होने वाली है। अभी तक के सर्वे में कमला हैरिस ने चुनावी मैदान में उतरने के बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी की खोई हुई जमीन वापस पा ली है। पहले डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन 7 अहम राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में बढ़त बनाई हुई थी, वो कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद से कम हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो ताजा सर्वेक्षणों में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कमला हैरिस को 48% लोगों का समर्थन मिला है, तो वहीं 47% ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है, यानी कमला हैरिस ने ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ राज्यों की अहम भूमिका है। इन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। इनमें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया का नाम गिना जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमला हैरिस ने मिशिगन में ट्रंप पर 11 पॉइंट्स की बढ़त बनाई हुई है। वहीं नेवादा में 2 पॉइंट की और एरिजोना और विस्कॉन्सिन में भी 2-2 पॉइंट की बढ़त बना ली है। वहीं जॉर्जिया में दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। बाइडेन के उम्मीदवार रहने के दौरान जहां डोनाल्ड ट्रंप की जीत साफ दिखाई दे रही थी, तो वहीं कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने के बाद ट्रंप लगातार अपनी बढ़त खो रहे हैं। अमेरिका चुनाव में मीडिया का बड़ा रोल होता है, और इस बार तो सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल रहने वाला है। जिस तरह से भारत के चुनाव में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी, सोशल मीडिया के चलते ही बीजेपी चुनाव में अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। लेकिन अब मोदी सरकार सोशल मीडिया पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पूरे लोकसभा चुनाव में टीवी चैनल्स की एक तरफ रिपोर्टिंग को लेकर सवाल उठाए जाते रहे। इंडिया गठबंधन का दावा था कि टीवी चैनल एनडीए का प्रचार करते रहे, विपक्ष को बहुत ही कम मौके मिले, लेकिन सोशल मीडिया में विपक्ष को पूरा स्पेस मिला। विपक्ष के नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए और इसका सबसे ज्यादा असर चुनाव पर दिखाई दिया। इसके बाद अब मोदी सरकार सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश में जुट गई है। मोदी सरकार बजट सत्र में ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आने वाली है। इस बिल में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं, सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आ सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के एक्सपर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार के इस फैसले से प्रेस की आजादी और रचनात्मकता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि पिछले हफ्ते ही सरकार ने इस बिल के मसौदे में नया अपडेट किया। ये बिल 1995 के टीवी नेटवर्क कानून की जगह लेगा। इसके कई नए प्रावधान अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन जानकारों की माने तो सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स पर सरकार की नजर है। पिछले दिनों भी सदन में पत्रकारों को रोकने की कोशिश की गई थी, उन्हें संसद के एक हिस्से तक ही सीमित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था, जिसके बाद पत्रकारों को राहत मिली थी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। उन्हें हर जगह संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के अंदर तो उनकी खटपट जगजाहिर है, वहीं अब विधानसभा में भी कमरों में बारिश का पानी भर गया है। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री को दूसरे दरवाजे से किसी तरह बाहर निकलना पड़ा। फिलहाल उनके एंड पर ये बात सही है कि उनकी सरकार समेत सब कुछ रेड अलर्ट पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।